अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूँ आसिफ अली। आप देख रहे हैं आसिफ रिपेयरिंग मास्टर। फ्रेंड, मेरा आज का टॉपिक है कि सिलाई मशीन के पाँव रखे हुए हैं, इसमें से किस पाँव का क्या काम है, कौन सा पाँव क्वालिटी में अच्छा है और किस पाँव से हम क्या काम ले सकते हैं। इसमें डोरी पाइपिंग का पैर है, घेरा मोड़ने वाला पैर है, इसके बाद ये डोरी के लिए आ जाता है, पाइपिंग के लिए। ये चार पैर जो हैं ये सिलाई के लिए हैं, इसमें कौन सा अच्छा है और कौन सा हल्का है। तो आए फ्रेंड वीडियो की तरफ चलते हैं। फ्रेंड, इससे पहले मैं बताता चलूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल का आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। फ्रेंड्स, मैं आपको बताता चलूं, ये सिंपल पैर है जिसको लेडीज़ पैर भी बोलते हैं। ये आम तौर पर मशीनों में इस्तेमाल होता है, लेडीज़ ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, इसको टेलर भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये चलने में बहुत अच्छा पाँव है, इससे सिलाई भी बिल्कुल नीट और साफ़ आती है। इसके बाद फ्रेंड ये पाँव आ जाता है, ये GL का पाँव कहलाता है और ये इसकी निस्बत थोड़ा हार्ड होता है, इसको टेलर इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड, इसमें फ़ायदा ये होता है कि इसका ये वाला हिस्सा जो है ये थोड़ा सा आगे से तंग होता है और इसका ये हिस्सा जो है इसकी झीरी खुली होने की वजह से सिलाई में सहूलत आती है। इसके बाद फ्रेंड्स, ये हिटाची का पाँव कहलाता है, ये काफ़ी हार्ड होता है, आपका दंदराल जो है वो काफ़ी दो दो तीन तीन साल ही आपका नहीं ख़राब होता। इसके अलावा मैं आपको इनकी कीमत बताता चलूं, ये जो सिंपल पैर मैं आपको दिखा रहा था जिसको लेडीज़ पैर कहते हैं, ये मार्केट से आम तौर पर 20 से 30 रुपए में मिल जाता है। इसके बाद फिर मैं आपको ये GL का पैर दिखा रहा था, ये हार्ड होता है, ये तकरीबन 40 रुपए में मार्केट से मिल जाता है। ये हिटाची का पाँव है, देखने में ये ब्लैक कलर का है लेकिन ये काफ़ी हार्ड और अच्छी क्वालिटी में बना हुआ है, ये मार्केट से आपको 70 से 80 रुपए में मिल जाता है। इसके बाद फिर ये पाँव आ जाता है, ये पाँव जो है फ्रेंड्स ये भी GL का कहलाता है लेकिन ये इस क्वालिटी का बना हुआ है, मसाले का बना होता है। तो इसमें ये भी आपको मार्केट से 40 रुपए में मिल जाएगा। इसके अलावा फिर ये तीन पाँव रह जाते हैं, इनका क्या काम है और इनका सिलाई से तरीक़ेकार क्या है आज मैं आपको वो बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, इनसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, ये पाँव जब हमारा ख़राब हो जाता है तो वो कुछ इस तरह की शक्ल अख्तियार करता है, जैसे ये घिसा हुआ आपको नज़र आ रहा है, ये खराशें इसके अंदर आपको डली हुई नज़र आ रही हैं। जब ये ख़राब हो जाता है तो फिर हम जो है वो नया पाँव लगाते हैं। तो ये वाले जो दो पाँव हैं जो मैं आपको पहले दिखा रहा था, ये हिटाची का और ये GL का पाँव, इसमें इस तरह से नीचे गड़े बिल्कुल भी नहीं पड़ते और ये दोनों अच्छी क्वालिटी के टेम्पर वाले पैर कहलाते हैं। अच्छा फ्रेंड, इसके बाद ये तीन पाँव बचते हैं मेरे पास। ये घेरे वाला पाँव है जो अक्सर जो हमारी कमीज़ होती है इसका ये जो घेरा मुड़ा होता है, ये घेरा मोड़ने के काम आता है और ये पाँव अक्सर जो है वो टेलर इस्तेमाल करते हैं, आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके बाद फिर ये दो पाँव बचते हैं, मैं आपको ये लगा कर दिखाना चाहूँगा कि इनको लगाने से हमें क्या फ़ायदा होता है और इनका लगाने का तरीक़ेकार क्या है आज मैं आपको वो बताता चलूँ। तो सबसे पहले हम फ्रेंड्स ये पेच खोलकर अपना पुराना पाँव जो है वो हम खोल लेते हैं। ये पाँव खोलने के बाद इसमें ये देखें, ये नई मशीन है, इसमें वही सिंपल पाँव लगा हुआ है जिसको हम लेडीज़ पैर कहते हैं। इसके बाद ये सिंगल पाँव कहलाता है फ्रेंड्स। ये सिंगल पाँव जो है ये डोरी पाइपिंग के काम आता है, डोरी लगाने के काम आता है, पाइपिंग लगाने के काम आता है, लेकिन इसमें एक फॉल्ट आता है। जब भी आप मार्केट से लेने जाएं, आज मैं आपको बड़ी इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूं कि इसको हम ये इस तरह से लगा कर, मैं आपको दिखाता हूं। फ्रेंड्स, ये सिंगल पाँव इस तरह से कसने के बाद इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि इसमें अक्सर जो है वो सुई लगती है और सुई लगने के बाद हमारी सुई टूट जाती है। ये देखें फ्रेंड्स, ये सुई नीचे जाने के बजाय बिल्कुल पाँव के ऊपर टकरा रही है, तो टकराने की वजह से सुई टूट जाएगी। अब इसका हल क्या है, जिस टाइम आप मार्केट से लेने जाएं तो आप मैकेनिक से कहें कि आप मुझे इस जगह से इसको बर्मे की मदद से या रेती की मदद से थोड़ा ये वाला जो इसका टक बना हुआ है, मैं दिखाता हूँ आपको कि इस टक को आप थोड़ा सा गहरा करवा लें ताकि आपकी सुई इस पर ना टकराए और सीधी आपके काम आती रहे। फ्रेंड, असल जो आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद था वो इस पाँव के हवाले से था। ये डबल पैर कहलाता है। इस पाँव की खासियत ये है कि आपको उसमें इस सिंगल पाँव की ज़रूरत नहीं रहती, ये पाँव आपका लेफ़्ट पाँव भी बन जाता है और यही पाँव आपका
राइट पाँव भी बन जाता है। इसका तरीक़ेकार ये है कि हम इसको ये मार्केट से आपको आम जो नॉर्मली है वो 60 से 70 रुपए में मिल जाएगा। इसका तरीक़ेकार फ्रेंड्स ये है कि इसमें ये जो टक लगा हुआ है ये हमारा पेच की तरफ आएगा, ये कुछ इस तरह हम इसकी बैक साइड से लेकर आएंगे और ला कर ये टक इसके अंदर अड़ा कर फिर इसके अंदर ये पेच जो है हम पेचकस की मदद से कस देते हैं। फिर मैं आपको बताता हूँ कि यह आपका लेफ़्ट और राइट किस तरह से बनता है। और ये डोरी पाइपिंग लगाने के लिए बहुत ही मुफीद पाँव है। ये मैंने पाँव फ्रेंड्स कस दिया है। इसके बाद ये मैंने इसका लिफ्टर नीचे किया तो ये देखें फ्रेंड्स ये सुई से कितना दूर चल रहा है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि आप इसको जितना सुई से नज़दीक चाहे चला सकते हैं कि बिल्कुल आप इसको सुई के नज़दीक करके चला लें वो आपकी मर्ज़ी है। सुई से आप जितना दूर चलाना चाहें वो भी आपका ये चल सकता है। अच्छा फ्रेंड्स इसको लेफ़्ट के बाद हम इसको राइट किस तरह से बना सकते हैं मैं आपको वो बताता चलूं। जी फ्रेंड्स ये देखिए ये बिल्कुल सुई इसके नज़दीक से जा रही है और इसकी टच भी नहीं हो रही। इसके बाद अगर आप इसको दूसरी साइड पर लाना चाहते हैं तो ये इसकी पाँव की बैक साइड पर आपको ये पेच नज़र आ रहा है। इसको हम हाथ की मदद से लूज़ कर लेंगे। लूज़ करने के बाद इस पत्ती को हम पेच की तरफ ऐसे खींच लेंगे। ये देखें मैं दोबारा दिखाता हूँ ये पत्ती जो है इसमें ऑप्शन होता है लेफ़्ट और राइट करने के लिए, तो मैंने इसको अब इस तरफ खींच दिया है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मेरा पाँव जो है वो इस साइड का पाँव बन गया है और इसके अंदर सुई बिल्कुल भी नहीं टकरा रही और ये बिल्कुल आसानी के साथ वर्क कर रहा है। ये देखिए अब मैं इसको फ्रंट से दिखाता हूँ आपको कि ये मैं बैक पत्ती जो है वो इधर को कर देता हूँ तो ये आपका ये इस साइड का पाँव बन गया है। ठीक है फ्रेंड्स अगर मैं इसको परली तरफ कर देता हूँ तो ये आपका इस तरफ का बन गया। ये देखें ये मैं उसी पत्ती को हिलाकर दिखा रहा हूँ तो ये आपका लेफ़्ट और राइट दोनों पाँव बन जाते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स अगर आपने इसको जहाँ चलाना है लेफ़्ट साइड पर चलाना है या राइट साइड पर तो इस वाले पेज को हम दोबारा से टाइट कर देंगे ताकि ये अपनी जगह से ना हिले। इसको हम जहाँ पर चलाना चाहते हैं ये बिल्कुल उसी जगह पर आपका चलता रहेगा और आपकी सिलाई डोरी पाइपिंग के लिए बेहतरीन काम आएगी। तो फ्रेंड्स ये डोरी पाइपिंग के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। मैं आपको इसको खोल कर दोबारा दिखाता हूँ कि इसकी किस तरह की शक्ल है। आप मार्केट से लें और इसे बिल्कुल फ़ायदा उठाएं। जी ये पेचकस की मदद से खोलने के बाद मैं आपको इसकी दोबारा से शक्ल दिखा देता हूँ। ये कुछ इस तरह से फ्रेंड्स पाँव है। ये इसकी बैक साइड का पेच है जो मैं आपको बता रहा था कि इसकी मदद से हम इसको लेफ़्ट या राइट बना सकते हैं। ये मैंने लूज़ किया है। ये पत्ती जो है बिल्कुल उसी तरह वर्क कर रही है जैसे मैं आपको दिखा रहा था। ये पाँव है फ्रेंड्स यह आपके ख़ास तौर पर जो नगों वाले दुपट्टे होते हैं उस पर भी बिल्कुल बेहतरीन काम करता है। नगों वाले जो सूट होते हैं उस पर भी बड़ा अच्छा काम करता है क्योंकि आम पाँव जो है वो ज़्यादा चौड़ा होता है। चौड़ा होने की वजह से वो नगों के ऊपर उस तरह से नहीं चल पाता जिस तरह से ये कम चौड़ाई की वजह से बड़ा नफासत से और बड़ी अच्छी सिलाई दे पाता है। इससे आप सिलाई का काम भी ले सकते हैं फ्रेंड्स। इसके अलावा अगर आप मुझसे किसी और टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहें तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपकी ज़रूर रहनुमाई करूँगा। अल्लाह हाफिज़।